हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज है संडे। अभी मैं जस्ट नाश्ता बनाई हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह उठ के मैं पहले पूजा वगैरह कर ली हूँ। अब ले चल रही हूँ नाश्ता करने, बाकी जो है बने रहिएगा आप लोग आज के मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ पे जो है नाश्ते में मैं बनाई हूँ पोहा, देख सकते हैं आप लोग। और अभी मैं निकाल ली हूँ, ले चल रही हूँ, हम लोग सब लोग मिलकर खाएंगे। और किसको किसको पोहा पसंद है आप लोग बताइएगा। हम लोग को पसंद है, मेरे और मेरे हस्बैंड को भी। मेरा बच्चा नहीं खाता है, शिवांश नहीं खाता है। और अभी मैंने उसको एप्पल काट के दी हूँ, एप्पल खा रहा है। तो जिसको जिसको पसंद है आ जाइए आप लोग खाने। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किसको किसको जो है पोहा पसंद है। चलिए बाकी बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अयांशी, बेटी क्या खा रही है? ला रही हूँ। दिल में है प्यार तेरा, पानी बोतल है पानी का। यांसी देख रहे कितना बिस्किट के गिराया सब नीचे, देख रहे हैं। हे गाइस, तो यहाँ पे जो है दिन के बज रहे थे 4 और मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी क्योंकि हम लोग को कहीं जाना है बाहर और आज संडे भी है। तो मेरे दोनों बच्चे सोए थे तो मैं सोची जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊँ। और यहाँ पे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगी, बस हल्की फुल्की सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ क्योंकि बाहर थोड़ी सी धूप है। तो यहाँ पे मैं लोटस का जो है सनस्क्रीन लगाती हूँ, मैं कहीं बाहर जाती हूँ धूप वगैरह में। तो यहाँ पे वही जो है मैं यहाँ पे लगाऊंगी। और थोड़ी सी मैं यहाँ पे ना मतलब अपना जो है लिप चला रही हूँ क्योंकि मैं मुंह में क्या होता है नमकीन रखी थी खाने के लिए इसके लिए। तो यहाँ पे मैं क्रीम वगैरह लगा ली हूँ। और कहीं जाना होता है ना तो लगता है क्या पहने क्या जाए ऐसा होता है। और ये वाला जो कुर्ती है ना, मुझे मतलब अच्छा लगता है, पसंद है मुझे, लेकिन मैं पहनती बहुत ज़्यादा कम हूँ क्योंकि इस पर क्या होती है ना कि वाइट कलर है, थोड़ा गंदा हो जाती है ना, इसके लिए बहुत कम पहनती हूँ। और बच्चे के साथ ऐसा कलर पहना ना फिर धोने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसके लिए तो यहाँ पे है जो मैं सनस्क्रीन वो कर ली हूँ। और मुझे लग रही थी गर्मी तो मैं सोची अपना फ़ैन जो है पहले फ़ैन ऑन कर दूँ। तो फ़ैन ऑन करने के बाद जो यहाँ पे हमने हल्के से क्रीम लगा लिया। और ये है जो लिपस्टिक, जो ये लिपस्टिक ना गाइस पूरा रेड नहीं है, ये थोड़ी सी हल्की में रूम पे आपको ऐसे जो है ना इसमें दिख रही है रेड, लेकिन इतना रेड है नहीं। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ क्योंकि पूरा रेड लिपस्टिक लगाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं है। मेहरूम थोड़ा सा पिंक ये सब मतलब चलता है इनको, तो इसके लिए मैं इनके साथ कहीं जाना होता है तो थोड़ा सा इस कलर पे ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे जो है लिपस्टिक वगैरह मैं लगा लेती हूँ। और बाहर जाना रहता है फिर कुछ खाना खाओ ना तो फिर ऐसा लिपस्टिक अप लगाओ ना तो थोड़ा सा निकल ही जाता है। तो इसके लिए मैं लिक्विड वाला लिपस्टिक बाहर जाती हूँ। थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव रहता है तो थोड़ा सा मैं लगाती हूँ क्योंकि बीच में खाते पीते जाना रहता है इसके लिए। और यहाँ पे जो है मैं हल्की सी मतलब एकदम छोटी सी बिंदी लगाई हूँ, वो भी मेरे हस्बैंड को ही पसंद है, मेरे को भी। साड़ी वगैरह पर मैं नॉर्मली बिंदी लगा लेती हूँ लेकिन मुझे सूट पे छोटी बिंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कुछ इस तरीके से बाल करने को बीच से ऐसे वो करके, फिर मैं सोची कि सिंदूर अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि सिंदूर हम लोग मेक बैग सप्तमी के दिन लगेगी तो थोड़ी सी दिखेगी। तो मैं इतना नहीं हल्का सा बीच से वो की हूँ, देख सकते हैं आप आगे। और ना गाइस, तब तक यहाँ पे फिर मैं लाइट ऑन की और मुझे ना ऐसा बाल अच्छा लगता है जो आगे से थोड़ा सा रुखरा झुखरा सा रहता है ना, तो मुझे वैसे बाल अच्छा लगते हैं। बाल बांध लो आप उसके थोड़ा टाइम बाद देखो ना तो वैसा मतलब अच्छा लगता है, पूरा सिमटा हुआ मुझे नहीं पसंद है बाल। यहाँ पे मैं ओपन भी कर सकती थी लेकिन नहीं की ना क्योंकि बाहर धूप भी है और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है इसके लिए। तो यहाँ पे जो है मैं अब हो गई हूँ रेडी। कैसे लग रही हूँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी हेयर स्टाइल कुछ मैंने मतलब ऐसा स्टाइलिट वगैरह नहीं किया, बस एकदम नॉर्मली ऐसे बांध ली हूँ कुछ ऐसे करके। तो आज का जो है यही मतलब मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन लिपस्टिक और बिंदी बस यही है।
तो ज़्यादा कुछ ऐसा वगैरह मैं नहीं करती हूँ। फिर मैं यहाँ पे सोची गर्मी हो रही है क्यों ना थोड़ा सा जूड़ा बना लूँ छोटा सा। फिर जूड़ा बनाई ना तो ऐसे में मुझे नहीं पसंद आया, तो पीछे से अजीब ही लग रहा था। तो फिर मैंने जो है यहाँ पे जो मुझे नहीं पसंद आया तो फिर मैंने बाल यहाँ पे जो है ओपन किया। तब तक मेरे हस्बैंड का जो फ़ोन है ना बजने लगा, तो मैं फिर फ़ोन इनको निकाल कर लेकर गई। फ़ोन आ रहा था, किसी का नंबर से था, तो मैं सोची कि आप बात करो। तब तक मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से वो है ना, मैं यहाँ पर एक पिंक कलर का क्लचर था, उसको क्लचर को मैं कुछ इस तरीके से लगाती हूँ। बस मैं हो गई अब रेडी, और अभी चलते हैं बच्चों को अब करेंगे रेडी। बाकी जो है बनी रहिएगा आप लोग यहाँ पे ब्लॉग में। तो यहाँ पे जो है ना गाइस, यहाँ पे मैं अयास को रेडी कर रही थी। ये जो ब्लॉग में अयास कर रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, कर्मा बहुत ज़्यादा हिलाता है, लेकिन मैं मेरे को लगता है कि चलो इतना भी कर दे रहा है ना तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ दूर से सब चीज़ नहीं हो पाती है। भाई तो भाई कभी कर देते हैं तो कर देते हैं, दोनों आ रहे हो। चाहती हूँ सिवान थोड़ा बड़ा हो जाए तो थोड़ा सूट वगैरह, क्योंकि उसको पढ़ने लिखने का भी उम्र है, पढ़ने लिखने का, खेलने का है। लेकिन मैं यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मैं तो खुद से अपना सूट करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा सूट कहीं ऐसे जगह सूट करना हो तो उसको बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा कैमरा सूट करना। तो यहाँ पे मैं उसको मुझे देखते हैं यहाँ बाहर कहीं जाना है, इसके लिए मामा सैंडल लाते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कपड़े वगैरह को लेकर थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कपड़ा सूख गया था तो मैं उठा के ऐसे ही रख दी थी टेबल पे कि आने के बाद जो कपड़े को फोल्ड करूँगी और जाने को जल्दी वो कर देते हैं ना कहीं जाना है तो फूल अगर तैयार हो जाएंगे तो मतलब वो करके रख देते हैं जल्दी चलो जल्दी चलो। और यहाँ पे तो चलिए आगे आप लोग बने रहिएगा ऐसे ब्लॉग में। किसको मारेगा नहीं ऐसे ही जाना है तो भाई के पास चप्पल नहीं इसलिए बस पहन के जा रहा है। हम्म, उसको देखिए ना, अगर ये बाथरूम में लगे तो बंद करते रहेंगे। तो गाइस घर से निकलने के बाद जो है आ गए थे हम यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अयास नीचे खेल रहा था ना तो खेलते खेलते गिर गया था, इसके लिए अयास रो रहा था और मैं यहाँ पे चुप करा रही थी इसको ऐसे शीशा में दिखाकर। और आज का जो ब्लॉग है यहीं तक अब रहने देते हैं। और यहाँ पे हम आए हैं शॉपिंग के लिए, और शॉपिंग क्या किए हैं क्या नहीं आपको अगले ब्लॉग में, अगले नहीं फिर कभी ब्लॉग में, क्योंकि अभी पूजा पाठ का दिन है तो शायद मैं शॉपिंग जो की हूँ उन्हें मैं नहीं शूट कर पाऊँ, हो सकता है। तो फिर कभी मैं आप लोग को दिखा दूँगी मैं क्या शॉपिंग की थी। और फाइनली जो है हम लोग शॉपिंग ही करने आए थे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय।